आज मैं बनाऊंगी आमले का तेल। तो मैंने आमले काट के रखे हैं और अभी कुछ काटने भी हैं। आमले काट रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैं ये आमले का तेल बनाऊंगी। ये मैंने आधे काट दिए, आधे रह गए, ये काटूंगी अभी। तो विशाल गया था शॉपिंग करने, थोड़ा सामान लेकर आया। देखो ये निक्की लगी है निकालने में। ये विशाल के जूते आए हैं ऑनलाइन, इसने ऑर्डर किए थे। जूते दिखा, ये कौन सा टेस्ट पतंजलि का नारियल तेल। मॉडल देखना वो तकड़ा है, दुकान पे ये मैं बनाऊंगी तेल आमले का। मॉडल ने अपने साइज के हिसाब से पहना, मेरे साइज के हिसाब से मंगाई तो मेरे को भी ऐसी आई। ये कौन सी कंपनी का विशाल है? विशाल वीवो मिल कौन सी कंपनी है? ये वीवो मिल का है, यही है। कंपनी क्या है? चरक चरक उसका भी चरक ही था। यही तो बिकते थे आप, यही है। तो मैंने तेरे कोई चलेगा नीचे से? ये लीवोमीन मंगाई है मैंने अपने लिए, मेरे लीवर के लिए। तो लीवर में प्रॉब्लम हो रही है मेरे, पहले भी पीती थी मैं, बहुत साल पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, लीवर मेरा ख़राब हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने, जो मेरा डॉक्टर था जिसने मेरा इलाज किया था, तो उन्होंने मुझे ये दी थी पीने के लिए लीवोमिन। तो इसने मेरा जो है लीवर बहुत अच्छा कर दिया था, जो मेरा लीवर डैमेज हो गया था एकदम ख़राब, भूख नहीं लगती थी बिल्कुल भी, और मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी लीवर ख़राब होने से। तो मुझे उन्होंने, डॉक्टर ने ये पीने के लिए दिया था। तो ये मैंने उस टाइम 5-6 बोतल पी थी, तब जाके मेरा लीवर ठीक हुआ था। तो ये बहुत अच्छी लीवोमीन है, बहुत ही लीवर के लिए बहुत ही अच्छी। तो मुझे तो ये डॉक्टर ने बताई थी, तो मैं इसलिए ये पीती हूँ। जब मुझे प्रॉब्लम आती है ना मेरे पेट में, भूख नहीं लगती मुझे, तो मैं ये कभी भी मंगा के पी लेती हूँ। तो आप लोग ऐसे मत पीना, डॉक्टर की सलाह से ही पीना। तो मुझे तो डॉक्टर ने लिख के दिया था ये, तो मैंने ये पी थी। तो विशाल जूते सही है? पहन के दिखा, हीरो बन गया। विशाल के जूते आए हैं ऑनलाइन मंगाए, तो अभी पहन के दिखाएगा, डांस करके देखा। तो इसने जूते मंगाए, बहुत अच्छे जूते आए हैं। तो हमारी कढ़ी भी बन रही है और इधर चावल उबल रहे हैं, और इसमें डालेंगे हम पकोड़ों की जगह ये बूंदी। और इधर मैं कर रही हूँ तेल तैयार आमले का। तो ये सब चीज़ें मैंने, देखो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल लिया है, ये डाल ली है। तैयार कर रही हूँ घर में तेल, घर का तेल बनाकर तैयार करूँगी इनके लिए। हमारी कढ़ी तो हो गई बनकर तैयार, अब बनाते हैं तेल। मैंने तेल चढ़ा लिया लोहे की कढ़ाई में। तेल जब भी बनाना
घर के अंदर तो लोहे की कढ़ाई में बनाना। ये मैंने आमले पीस के रखे थे, ये मैं डाल दूँ तेल में। और ये धीमी धीमी आंच पे बनता रहेगा, कम से कम 25 मिनट इसको बनाना, धीमी आंच करनी है इसकी। लाइट भी भाग दी, ये धीमी आंच पे 25 मिनट तक ये पकेगा आंवला इसमें तेल में। और ये घर का तेल बनकर तैयार, ये बहुत फायदेमंद होता है अपना घर का तेल। और लोहे की कढ़ाई में ही बनाना है। मेरे चावल भी हो गए तैयार, बन चुके, मैं इनको निचोड़ देती हूँ। तो काम हमारा हो चुका, खाना वाना सब बन गया, तेल मैंने चढ़ा दिया बनने के लिए, वो धीमी धीमी आंच पे बनेगा 25 मिनट। तो आपको अगर देखना पूछना है तेल कैसे बनता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, और एक चीज़ और आपको बतानी है, अगर आपके मुंह पर मुहासे हैं, दाने मुंह के ऊपर निकल गए हैं, तो वो कैसे ठीक करने हैं, वो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उन दानों के लिए भी आपको बताऊंगी बहुत अच्छी रेमेडी। मिलते हैं कल, बाय।